गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रवि क्रॉप, उसके बारे में टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन रहने वाला है, दिया है कि सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलियंथस इनवर्स। हेलियंथस इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहेगा कि सूरजमुखी में तेल प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों, सूरजमुखी में जो तेल पाया जाता है वो पाया जाता है 46 से 52% तक तेल पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है वो हमारा 20 से 25% तक पाया जाता है मूँगफली में प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला राज्य है, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, यह है हमारा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूं में भंडारण करने है सुरक्षित नमी कितने प्रतिशत होती है? गेहूँ के भंडारण करने की जो नमी मैश्योर कंटेंट रहता है कितना रहता है? दोस्तों, वो रहता है 10 से 12% तक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, दिया है कि चने में प्रोटीन, कुछ फसलें हैं उनकी प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा हम लोग देखते हैं कि चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, चने में प्रोटीन होती है 21%, ठीक है। 21% चने में प्रोटीन की मात्रा होती है। यहीं अगर बात कर लें हम लोग मटर में, तो मटर में भी 21% प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग की मूंग में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों मूंग में प्रोटीन की मात्रा होती है 24%, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि उर्द में प्रोटीन की मात्रा, दोस्तों उर्द में भी प्रोटीन की मात्रा 24% होती है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि अरहर में प्रोटीन की मात्रा, दोस्तों अरहर में प्रोटीन की मात्रा होती है 22.4% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मसूर में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? दोस्तों, मसूर में प्रोटीन की मात्रा होती है 25.2% मसूर में प्रोटीन की मात्रा होती है। कहीं कहीं आपको 24 भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा क्या है? दोस्तों, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा हमारी 26% है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों 26% है, ठीक। 26% मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा क्या रहती है? दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा रहती है 42% सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में दिया गया है कि पल्सेस किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, पल्सेस किस भाषा का शब्द है? वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है पल्सेस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चने का में अंतरण होता है। दोस्तों, चने का अंतरण क्या रखते हैं? चने का जो अंतरण रखते हैं दोस्तों 45x10 cm चने का अंतरण रखते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चने को बोते समय कितनी गहराई रखना चाहिए? दोस्तों, चने को बोते समय गहराई क्या होती है? दोस्तों, वो गहराई होती है 6 से 8 cm, ठीक है। गेहूं की रहती है 3 से 5 cm, ठीक है। नेक्स्ट है कि चने में पहली सिंचाई कब करना चाहिए? दोस्तों, चने में पहली सिंचाई कब करना चाहिए? दोस्तों, सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई में सिंचाई जो है शाखाएं निकलने पर पहली सिंचाई की जाती है, शाखाएं निकलने पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दोस्तों, चने का उत्पत्ति स्थान हमारा जो है वो है भारत, यानी कि इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है चने का उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है 21 में हम बात करें कि पुदीना का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, पुदीना का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है मेंथा ऑरवेंसिस। ऑरवेंसिस चने पुदीने का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुदीना की रोपाई भारतवर्ष में कब होती है? पुदीना की रोपाई भारतवर्ष में कब करते हैं? दोस्तों, वो करते हैं जनवरी से फरवरी में, ठीक है। जनवरी व फरवरी में पुदीना की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, अपने हर एक फ्रेंड के पास क्लास शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुकंदर यानी कि स्वीट पोटैटो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों, बीटा वल्गैरिस स्वीट पोटैटो का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि चुकंदर का कुल कौन सा है? चुकंदर का कुल कौन सा है? वो है चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी चुकंदर का कुल होता है। नेक्स्ट है कि चना का उत्पादन करने वाला राज्य है? दोस्तों, चने का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा MP यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक चने का उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि सरसों में तेल की कौन सा रसायन पाया जाता है? सरसों में तेल की जो है ग्लूकोसिनोलेट रसायन पाया जाता है, ग्लूकोसिनोलेट रसायन पाया जाता है। गैस, ये क्लास हमारी आज तक यहीं तक। इसके बाद हमारी सुबह एक क्लास और होगी,
ठीक है, रवि क्रापर। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर और सबसे पहले आपको सटीक सोल्यूशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।